नमस्कार दोस्तों, ये बात है 14th सेंचुरी की, जब गुजरात के यादव समुदाय कर्नाटका आए थे और कर्नाटका के प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और यहीं पर बस गए। यहाँ पे यदुरैया वदेयर ने 1399 में वदेयर राजवंश की स्थापना किए थे और यादवों ने लगभग 6 शताब्दियों तक इस जगह पर शासन किए थे। मई 1799 में जब टीपू सुल्तान की मौत हो गई, महाराजा कृष्णराजा उदय III ने माहिसूर को अपनी राजधानी बना लिया और अंग्रेज के नियंत्रण में चले गए। उनका शाही नाम वदेयर से वादियर हो गया। 14th सेंचुरी में पहली बार महीसूर किले के भीतर एक महल को बनाया गया था जो कि लकड़ी का बना था, लेकिन 1897 में राजर्षि कृष्णराजा वदेयर IV की सबसे बड़ी बहन राजकुमारी जयलक्ष्मी अमानी के विवाह समारोह में वो लकड़ी का महल पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उसी साल सम्राट ने ब्रिटिश आर्किटेक्ट लॉर्ड हेनरी इरविन को बुलाया ताकि दोबारा से वो महल को बनाया जा सके। सन 1912 में वो महल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और ये महल को पूरा बनाने के लिए उस टाइम में लगा था 41,47,913 रुपीस, जो कि आज के इन्फ्लेशन को मल्टीप्लाई करें तो वो कुछ बनता है 40,38,34,556 रुपीस। ये 3 मंजिला महल स्टोन की स्ट्रक्चर से बनी है जिसमें ग्रे कलर की फाइन ग्रेनाइट को यूज किया गया है और पिंक कलर के मार्बल स्टोन्स को लगाया गया है और एक 5 मंजिला टावर है जिसका ऊंचाई 145 फीट है। महल के ऊपर बनाए गए डोम का डिज़ाइन इंडो सार्केनिक आर्किटेक्चर का बनाया गया है। इंडो सार्केनिक आर्किटेक्चर हिंदू, मुगल, राजपूत, गोथिक स्टाइल्स का मिश्रण है। प्रवेश द्वार के ऊपर माइसूर साम्राज्य का प्रतीक को बनाया गया है और उसके चारों तरफ संस्कृत में लिखा गया है ना विभूति कदाचन, जिसका मतलब है कभी भयभीत नहीं होना। माइसूर पैलेस को अंबा विलास पैलेस भी कहा जाता है। माइसूर पैलेस 245 फीट लंबा है, 156 फीट चौड़ा है। किसी भी आग को बुझाने के लिए महल के सभी हिस्सों में आग बुझाने की मशीनों को रखा गया है। महल के 3 प्रवेश द्वार है जिसमें से पूर्व और पश्चिम प्रवेश द्वार को दशहरा का समय में खोला जाता है। नॉर्मली दक्षिण के प्रवेश द्वार लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। महल के सेंट्रल आर्क के ऊपर माँ गजलक्ष्मी की मूर्ति को बनाया गया है जो कि धन, समृद्धि और भाग्य की देवी है। पुराने किले के भीतर 3 प्रमुख मंदिर भवन है और मुख्य महल के भीतर लगभग 18 मंदिर भवन है। माइसूर के राजा देवी चामुंडी के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए महल को चामुंडी पहाड़ियों के तरफ मुंह करके बनाया गया है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।